हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है, चाहे वो मदर्स डे, लेबर डे या फिर डॉक्टर्स डे हो। वैसे ही आज का दिन भी बहुत खास है। हर साल 12 मई यानी आज के दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। लोगों को नई जिंदगी देने में जितना योगदान और समर्पण डॉक्टर्स का होता है, उतना ही या यूं कहें बराबर का सहयोग और योगदान नर्स का भी होता है। नर्स समर्पण भाव और अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा करती हैं। ये दिन सभी नर्सों को समर्पित है, लेकिन इस दिन नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है। अब आपको बताते हैं नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। 12 मई 1820 को ब्रिटिश परिवार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था और उन्होंने 1860 में सेंट थॉमस अस्पताल और नर्सों के लिए नाइटिंगेल प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की थी। इन्होंने मरीजों और रोगियों की सेवा की प्रीमिया युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल सैनिकों की सेवा की थी, जिसके कारण उन्हें लेडी बिट द लैम्प कहा जाता है। अमेरिका के स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग के अधिकारी डोरोथी सुदरलैंड ने पहली बार नर्स दिवस मनाने का प्रस्ताव 1853 में रखा था। इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डेविड डी आइजनहावर ने की थी। जनवरी 1974 में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर इसे मनाने की घोषणा की गई। 1965 से हर साल ये दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर आज के दौर की बात करें तो पूरी दुनिया एक वैश्विक कोरोना महामारी के प्रकोप से जंग लड़ रही है। ऐसे में कोरोना मरीजों की सेवा जिस प्रकार से अपनी जान जोखिम में डालकर नर्सेस कर रही हैं, वो अद्भुत और सराहनीय है। उन सभी नर्सेस को जो कोरोना मरीजों की सेवा भाव में लगी हैं, उनको अलाइव 24 सलाम करता है। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।